नहीं मैं टॉपिक बदलें जाके। अच्छा, तो डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर 132 ED1 चैप्टर नंबर 3 साक्ष्य और मदार्थ। तो यहाँ से हमने अपने टॉपिक जो हमारी क्लासेस थी बकायदा वो यहाँ पर एंड हुई थी। अब कोरोना की छुट्टियों की वजह से ऑनलाइन लेक्चर आया तो हम पहुंच चुके थे साक्ष्य और मदार्थ। अब यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द एनर्जी के डिफरेंस से रोटेट करते हैं। तो जो मदार्थ होते हैं या वो पाथ या वो रास्ता जिस पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द घूमते हैं उनको हमने चार बेसिक मदार्थों में डिवाइड किया हुआ है, के एल एम और एन। अब ये तो हमारे बेसिक सर्कुलर मदार्थ यानी दायरे पर, यानी इनकी शक्लें जो है वो एक दायरा नुमा या बेसिक अंडा नुमा। अब इन पर एनर्जी के लिहाज से उनकी डिफरेंट शेप्स बनती हैं। अब जैसे कि के शेल जो है, के शेल का एक ही सब शेल होता है जिसको हम एस से जाहिर करते हैं, ये सबसे ज्यादा एनर्जी रखने वाला शेल होता है। और एल शेल जो है इसमें दो सब शेल होते हैं एस और थ्री, और एम में तीन होते हैं एस पी डी, और इसके चार होते हैं एस पी डी और एम। अब सेकेंड टॉपिक है यही है कि ये दायरा नुमा या बेस भी होते हैं, जबकि एस पी डी और एफ ये सबशेल्स होते हैं एनर्जी के लिहाज से। इलेक्ट्रॉन जिन रास्तों पर हरकत करते हैं उन्हें सबशेल्स कहते हैं। अब ये भी एस है, ये भी एस है, ये भी एस है, ये भी एस है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये एस जो है एन पदार्थ का इसका या इसका, इसके लिए हम इनको नंबर्स दे देते हैं। ये पहला है जिसे 1s कह रहे थे, दूसरा पदार्थ है इसके दूसरा सब शेल है तो इसे हम 2 और 2p, और ये तीसरा इसे हम 3s 3p और 3d, और जबकि ये चौथा इसे 4s 4b 4d और 4f। अब एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि सोडियम के सब शैलों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मालूम करें, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अब उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि सोडियम जो है एन में इसका एटॉमिक नंबर 23 और एटॉमिक मास 11, तो एटॉमिक मास को हम ए से जाहिर करते हैं और एटॉमिक नंबर को जी से। अब इसकी पहले हम मदार्थ के लिहाज से इलेक्ट्रॉनिक तशकील करते हैं, तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, जो Z नंबर होता है उतनी इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन, तो 11 प्रोटॉन। और इसके गिर्द पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तो 8 और 2 10 एक एंड वाले में ये हो जाएगा 8 और 10 हाई 11। अब इसमें हमने प्रोटॉन देखने हैं, तो प्रोटॉन को एन से जाहिर करते हैं वो होता है ए माइनस जी, तो 23 माइनस 11 इक्वल्स टू 12, तो 12 न्यूट्रॉन हो गए। ये थी मदार्थ के लिहाज से इलेक्ट्रॉनिक तश्कील। अब सब शेल के लिहाज से इसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील बनाते हैं, उसके लिए पहले में ए 1s, फिर दूसरे में 2s 2p 3s 3p और 3d 4s 4p
डी और फोर एफ, फिर फाइव एस, फाइव पी, फाइव डी, फाइव एफ। अब हमने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एनर्जी के लिहाज से हमने लिखनी होती है, तो एनर्जी जो है वो अगर लो हो तो सब शेल में से इलेक्ट्रॉन जो निकल के ऊपर वाले शेल में चला जाता है, वो शेल खत्म हो जाता है, इसलिए इसको डाउनवर्ड लिखा है। पहला ये, दूसरा, फिर ये तीसरा और ये चौथा, चार शेल तक ले गए और जैसे नंबर्स ऊपर तरतीब दे गए, 1s में ज्यादा से ज्यादा दो आते हैं, 2s में फिर 2, अब 2s के बाद फिर आ जाता है 2p, यानी 1 2 3, यानी हमने s नहीं लेना, आपको 2p लेना, इसे कहते हैं f बुआज रूल, f बुआज रूल। तो क्या आ जाएगा, 2p में ज्यादा से ज्यादा 6 आते हैं तो 10 हो गए। एक आप ये जो हाई एनर्जी ऑर्बिटल है 3s1, तो ये है जी उसकी सब शेल के लिहाज से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और ये जो है उसकी शेल के लिहाज से, ये सब शेल है पदार्थों को शेल कहते हैं। तो आज का लेक्चर यही समाप्त होगा, अल्लाह हाफिज़। लाओ सर जी, ठीक हो गया। Thank you.